अस्सलाम वालेकुम। मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 1/2 कप स्मॉल साइज़ के पाइप शेप में मैक्रोनी। ये तकरीबन 350 ग्राम मैक्रोनी है। तो सबसे पहले हमने वाटर को ऐड कर लेना है, उसमें सॉल्ट ऐड किया है मैंने। जैसे ही पानी में थोड़ा सा बॉईल आ जाए तो मैक्रोनी को ऐड कर देना है और इसे मिक्स करते रहना है, ये आपस में स्टिक ना हो। ताकि तो जब हमारे मैक्रोनी बिल्कुल मीडियमली अच्छे से बॉईल हो जाए तो फिर मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है और इसमें ऑयल ग्रीस करके अच्छे से इसको ठंडे पानी से वॉश करके फिर आपने इसे साइड पर रख देना है। अब मैंने एक वॉक में 1/2 कप ऑयल ऐड किया है और इसमें मैंने एक बड़ी साइज़ का अनियन कट करके, बारीक कट करके ऐड कर दिया है। अनियन को अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करना है, वरना मैक्रोनी में बड़े बड़े दिखते हैं ना, फिर अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज लिए हैं और उन्हें कट करके ऐड कर दिया है। अनियन और टोमेटो जब अच्छे से गल जाए तो उसमें मैंने ऐड करने हैं कड़ी पत्ते। मुट्ठी भर कड़ी पत्ते मैंने इसमें लिए हैं। कड़ी पत्ता से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है 1 कप चिकन। छोटे छोटे स्ट्रिप्स पर मैंने इसे कट कर लिया है। बोनलेस चिकन आप ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा बहुत बोन्स भी ऐड किया है। चिकन को हमने 5 मिनट स्टर कुक करना है, देन हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट और इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन में सॉल्ट का फ्लेवर आ जाए। अब मैंने यहाँ पे फ्रोज़न पीस लिए हैं 1/2 कप। आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं और अगर आपको पीस नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। पीस मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि थोड़े से हेल्दी वे में बने। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली क्रश्ड एंड इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मैं किसी भी किस्म का सॉस ऐड नहीं करूँगी, ना ही सिरका, ना ही सोया सॉस, ना ही चिली सॉस। ये जस्ट मसालों से ही बनेगा और आपने इसी तरह से इसको बनाना है। फिर आपने याद रखना है कि क्या ज़बरदस्त रेसिपी हमें दी गई है। तो मैं इसे 10 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक कर कुक कर लूँगी एंड देखें हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है 10 मिनट में। देन मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मसाले को अच्छे से भुनना है ताकि उसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए, बिल्कुल जिस तरह से अभी आपको दिख रहा है वैसे ही। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चिलीज कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पेपर। तो बेल पेपर आपने फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास फ्रोज़न थे तो मैंने फ्रोज़न ऐड कर दिया है। बेल पेपर इसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो मैंने 2 मिनट्स के लिए इसको ढक दिया था ताकि हमारे बेल पेपर सॉफ़्ट हो जाए और ये अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। और देखिए माशाल्लाह से मसाला बहुत ही अच्छा भुन गया है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है धनिया और धनिया से इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 लेमन स्क्वीज़ करके। अगर आपका लेमन छोटे साइज़ का है तो आपने फुल लेमन का जूस इसमें ऐड कर देना है। लेमन से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी ना खटास आ जाएगी। तो खटास के लिए आपने लेमन ही ऐड करना है, इमली वगैरह बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, उससे आपकी मैक्रोनी बिल्कुल बेकार हो जाएगी।
तो देखिए मैंने मैक्रोनी को ऑयल से ग्रीस करके रखा था, ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुई है आपस में, और देखें ज़बरदस्त सी मैक्रोनी बनके रेडी हो गई है। तो इसी बात पे आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, रेसिपी ज़बरदस्त लग रही है तो जल्दी से मुझे ज़बरदस्त सा लाइक दे दीजिए और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे चैनल में आने वाली और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो। तो यहाँ रेडी है मेरी बहुत ही मज़ेदार इजी वे में बनने वाली मैक्रोनी। तो देखा कितनी इजीली ये बन गया, बस चंद मसाले हमने इस पे ऐड किए, चंद वेजीज ऐड किए और ये ज़बरदस्त सी मैक्रोनी बनके रेडी हो गई है। तो ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है मैक्रोनी की, और फिर मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।